तो अब हम ककड़ी काटने जा रहे हैं। सो हम इसे स्लाइस करेंगे या डाइस करेंगे? तुम्हें ये व्लॉगिंग में बहुत मजा आता है ना। सो व्हाट अबाउट प्राइवेसी? तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारा वार्डरोब, क्या खा रही हो, क्या कर रही हो, सोना उठना, सब कुछ सबके साथ शेयर करना। आई नो व्हाट यू मीन, बट इसी की वजह से तो लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं। दे कैन रिलेट टू अस। अब हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं ना, एंड हमारा बिजनेस तो वैसे ही सोशल मीडिया पर है, एंड दिस इज ग्रेटली हेल्प्ड आवर बिजनेस। तुम ये सब भी बोल रही हो, सबको पता चल जाएगा। ओह नो नो, डोंट वरी, ये सब तो मैं वो कट कर दूंगी, एडिट कर दूंगी, एंड सब कुछ ना दिखाना होता है लोगों को। हाँ, वो बात तुमने सही कही, सब कुछ सबको नहीं दिखाना होता है। मतलब आई एम वेरी हैप्पी टू नो कि तुम ये सब एडिट कर सकती हो। सो नहीं पाई मैं रात भर। क्यों? सी आई अग्री कि आज से कई साल के बाद जब हम सब बैठकर ये वीडियोस देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बट आई थिंक जहान इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटा है। नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं उसे अभी सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि जैसे जैसे वो बड़ा होगा, विथ टाइम, एज एज अलाउज, वो इन सब चीज़ों को डिस्कवर करेगा, तो उसके लिए बेटर है। सो तुम उसको अपने वीडियो से ना एडिट कर देना। या श्योर, डोंट वरी अबाउट इट। तुम मुझे पहले बता देती। मैं बता देती, बट जब तक मैं आई तब तक तुम ऑलरेडी शूट कर रही थी उसके साथ। आई एम सो सॉरी। सॉरी की बात नहीं है, जस्ट दैट एज अ पेरेंट इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरे साथ शूट करो ना ये वीडियो, देखो कितना अच्छा चल रहा है। चल नहीं, जल रहा है। I think it's done. तुम क्या करोगे अगर मैं कुछ ऐसा करूँ जो तुम्हें पसंद नहीं? उसे पसंद करने के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या मेरे पास? अरे नहीं, ऐसे नहीं, मतलब कुछ ऐसा जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। तो मैं उसकी आदत डालूंगा। अरे यार, अच्छा मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ। से तुम्हें उत्तपम पसंद नहीं और मैं अभी उत्तपम बनाने जा रही हूँ। But don't you think it's too late for उत्तपम? अरे यार, I'm talking about रोहिणी। अरे पर रोहिणी का तो आईएफ चल रहा है ना, वो उत्तपम नहीं खाएगी। मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? क्योंकि इसमें सीरियस होने जैसा कुछ है ही नहीं। Come on यार, all I'm trying to say is that अगर उसे इतनी प्रॉब्लम थी ना मेरे इस घर में व्लॉग बनाने से, तो पहले ही बता देती ना। उसे तुम्हारे व्लॉग बनाने से प्रॉब्लम नहीं है, उसे तुम्हारे अपने व्लॉग में जहान को इंक्लूड करने से प्रॉब्लम है। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, कि पहले ही बता देती ना तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती। मैंने शूट किया, मैंने एडिट किया, म्यूजिक किया, एंड माय व्लॉग वाज रेडी टू बी अपलोडेड। अब वो सारी मेहनत वेस्ट गई ना। नाउ आई विल हैव टू रीएडिट द होल व्लॉग। पर तुम्हें पूछना चाहिए था ना उससे। पूछना क्या है यार, मैं भी तो जहान की मासी हूँ ना। तुम उसकी मासी हो और वो माँ है उसकी। इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? उसे पूरा हक है अपने बच्चे के लिए डिसीजंस लेने का। Of course, but तुम्हें नहीं लगता उसने ओवररिएक्ट किया? Listen, उसने तुम्हें सीधे-सीधे बोल दिया, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसकी बात को समझोगी, लेकिन तुम समझने की बजाय उल्टा मुझे समझा रही हो कि उसे समझना चाहिए। तो ओवररिएक्ट कौन कर रहा है? इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है। ये सब हमारे लिए भी नया नया है। वो तो रोहिणी है, इसलिए उसने प्यार से बोला। और कोई तो ऑफेंड भी हो सकता है यार, इसलिए वी शुड बी केयरफुल। हमें शूट करने से पहले लोगों से पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए उनकी। या यू आर राइट, बट आई रियली होप कि हमारा काम ना जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए एंड वी गेट टू गो बैक टू आवर हाउस, बिकॉज आई वांट माय कंफर्ट जोन। मुझे ना थोड़ा अब यहाँ पर क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय। चलो भैया। थैंक यू बेबी। यू आर वेलकम। भैया एक बात कहें? अगर मैं ना बोलूंगा तो भी तो कहोगी ना? हाँ भैया। तो फिर पूछ क्यों रही हो? मेनर्स भैया। अच्छा बोलो, क्या बात है? भैया वो कल शाम जब हम तुम्हारे घर आए थे ना चाय लेके, तो हमने घर को मुआयना करो और हमने वो देखो जो तुम नहीं देख पाए। ऐसा क्या देख लिया तुमने? भैया तुम्हारे साथ धोखा होगा हो। अरे पता है मुझे, तभी तो भोलाराम को निकाल दिया। अरे भोलाराम वो नहीं, भोलाराम तुम हो भैया। क्या तुम्हारे घर को 15 दिन को काम हटाओ, तुम 5 दिन में कैसे मान गए? अरे कॉन्ट्रैक्टर ने बोला था मुझे 5 दिन में काम खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा लेबर लगाएगा, डबल शिफ्ट में काम होगा। अरे भैया ये तो उनके पैतरे होते हैं कस्टमर को झांसे में लेने के। अब अगर वो 15-20 दिन बोल दें तो तुम उनसे काम कराओ का? सोचो भैया, तुम इतने स्मार्ट हो, चालाक हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसे कोनो कूप बना के चलो हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। हमारे भैया को कूप बना के चलो जाओ तो बात समझ में आउट है, लेकिन उनको भी कूप बना नहीं सकत, हमें उनकी रखवाली करने के लाने। अच्छा एक बात बताओ बेबी, तुम्हें इतना सब कैसे पता है? अरे भैया वो गांव में जेपी ने भी ठेकेदारी का काम शुरू करा ना, आइडिया कौन देता है? हम भाई बताते हैं, काम चाहे कितने भी दिन को हो, 5 दिन को बोलो। वो कहे ना भैया, छेनी हथौड़ी एक बार चल गई तो फिर गेंद तो ठेकेदार के ही पल्ले में आए। बेबी एक काम करो ना, जरा मेरे लिए भी 1 कप कॉफी बना दो। हाँ जी। तुम ये पियो। तुम कहाँ जा रहे हो? अरे पेंट लेने जा रहा हूँ यार, शॉप खुल गई होगी और मेरी आंखें भी। अब मैं 1 मिनट और वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं भी देखता हूँ कि मुझे कोई कैसे बनाता है। 5 दिन मतलब 5 दिन। आई गॉट यू बेबी। व्हाट? अरे तुम नहीं, तुम्हारी चहेती बेबी। मैं जा रहा हूँ। तुम इतना क्या कर रही? मेरा दीदी कहाँ है? अच्छा सवाल के जवाब में सवाल, जवाब नहीं तुम्हारा। हमने तुमसे पूछी तुम इतने क्या कर रहे हैं? मेरा दीदी ने बुलाया है। मेरा दीदी कहाँ है? देखो वंदना, एक टीम में एक ही गुंडा हो सकता है और इतना के गुंडा हम हैं। ये तो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, फिल्म का नाम है चक दे। अब तुम इतने से चली जाओ, इससे पहले हम तुम्हें रख दें। अरे हम यहाँ काम करने आए हैं। वंदना काम करने का नाम भी नहीं लेना, नहीं तो हम तुम्हारा काम तमाम कर दें। दीदी 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 क्या हो गया? वंदना तुम यहाँ? हाँ मैंने उसे बुलाया, वो बेबी के लिए काम ज्यादा हो जाता है ना इसलिए। दीदी ये बेबी धमका रही थी, कह रही थी कि काम तमाम कर देगी। ऐसा बोला तुमने? नहीं जीजी हम तुझे कह रहे तमाम काम हम कर दें। लेकिन क्यों? वो आई है तो दोनों मिलके काम कर लो, आधा हो जाएगा। आधा के चक्कर में काम ज्यादा ना हो जाए जीजी। दीदी हम है ना, हम सब संभाल लेंगे और इसी बहाने आप हमारा काम भी देख लेना। काम देखने के लाने देखने लायक काम होना भी तो चाहिए। जिज्जी नहीं तुम्हें देख ले। कहाँ जिज्जी? चलो चलो अंदर जाओ और काम करो। चलो हाँ चलो। कि वंदना को बुलाने का ना बहुत अच्छा आइडिया था। अब दोनों कंपटीशन के चक्कर में अपना बेस्ट करेंगे और हम बेफिक्र होकर रेस्ट करेंगे। तुमने दीदी का चेहरा देखा था। बट ऑन अ सीरियस नोट, वंदना का काम देख लो एंड टेक अ कॉल। ओह नो हार्ड फीलिंग्स अगेंस्ट वंदना, बट बेबी अब हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। बट थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर। क्यों इतना फॉर्मल हो रही हो? वो किसी ने सही कहा है, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। बिल्कुल गलत कहा है। व्हाट? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। सॉरी पहले आता है ना थैंक यू से। या मुझे भी सॉरी पहले बोलना चाहिए था। अरे ठीक है यार, इतना क्या कर रही हो? गलत था, करेक्ट कर दिया। अरे नो नो, मैं तुम्हें सॉरी कह रही हूँ। क्यों? किस चीज़ के लिए? वो मैंने तुमसे बिना बात किए बिना बताए जहान के साथ शूट किया एंड इट वाज अ क्लियर केस ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। अरे तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो यार। क्लियर केस ऑफ प्राइवेसी क्या? इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। प्लीज यार इतने भारी भरकम वर्ड मत यूज करो। ओके बट स्टिल नाउ आई फील अ लॉट बेटर। तो फिर मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझा। मुझे लग रहा था कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। ओके फाइन, बट दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ओके फाइन, रात गई बात गई। Okay. इसी बात पे कॉफी, कोल्ड कॉफी। ओके भाई लोग सारा सामान लेकर आ गया हूं मैं। अरे कहाँ हो? जल्दी आओ, पेंटिंग का काम शुरू करो, 2 दिन में काम खत्म करना है। अब तुम्हारा नाम क्या है? प्रकाश। प्रकाश ये पेंटर का है? भैया जी वो तीनों तो निकल लिए। निकल लिए? क्या बात कर रहे हो? कब? कल रात को। कल रात को? लेकिन कैसे? ट्रेन से। ट्रेन से? हाँ ट्रेन से, वो तीनों गांव चले गए। अरे यार मगर क्यों? उन तीनों की माँ बीमार है ना। मुझे तो बताया नहीं, कल ही तो मैंने हिसाब किया है। पैसे लेकर गए मुझसे। भैया जी अगर वो कल आपको बता देते तो पैसे रोक लेते ना आप। सब झूठ बोलते हैं, तीनों की माँ एक साथ कैसे बीमार हो सकती है? वो तीनों सगे भाई हैं, गेंदा, गुलाब और गुल बहार। लेकिन अब मेरी बगिया का क्या होगा? काम कैसे खत्म होगा? हम कर रहे हैं ना भैया जी। अरे ये काम नहीं, पेंटिंग का काम कैसे खत्म होगा? खत्म नहीं, शुरू। अरे 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 जी क्या कर रही हैं? अरे छोड़ो, जब बर्तन साफ करने को कपड़ा है, सफाई को नहीं। तो सफाई का कपड़ा कहाँ है? पकड़ो, धर दो। हम तुम्हें बताएं जहाँ घर में तुम्हें का करने और का नहीं। अच्छा, तुम इस घर के मिनिस्टर हो क्या? हम जहाँ घर के होम मिनिस्टर हैं। और एक बात अपने दिमाग में पुड़िया बना के ठूंस लो, कायदे में रहोगी तो फायदे में रहोगी। जा घर में हमारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलाती। कौन सा पत्ता? तेज पत्ता, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता। क्या बोले जा रही है? अच्छा वो सब छोड़ो, गिनती आउट है तुम्हें? हाँ। 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 8। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनो, तुम एक काम करो, खाना बनाओ, हम दो काम करें, बर्तन। लेकिन बर्तन तो एक ही काम हुआ ना, मांजना और धोना। बहना दो। हाँ। अब तुम करो 3 काम, झाड़ू पोछा डस्टिंग। हम 4 काम करें, कपड़ा। पर कपड़ा 4 काम कैसे हो गया? मशीन में जाके कपड़ा डालना, हाँ। निकालना, हाँ। और सुखाना। पर ये तो 3 ही हुए ना, चौथे का क्या? सूखे हुए कपड़े तार पे से उतारना, बहना 4। हाँ। अच्छा मैं वो अगर 2 नंबर का काम करूँ तो? हाय राम वंदना, कैसी बातें कर रही तुम? किराए पेट्रोल नहीं देखती? 2 नंबर काम जो लोग करते हैं उन्हें जेल हो जाता। तुम्हें जेल जाने नहीं जाने ना, चल चलो पूछती काम कर कर। वंदना जी क्या करो तुमने? हमने जानबूझ के नहीं किया, सब तुम्हारी गलती है। गलती? कौन ने कही थी अपना दिमाग लगा भाई को? अरे हमारे पास दिमाग है, हमने लगा लिया। मुंह से भरा तुम्हारे दिमाग में। एक मिनट क्यों झगड़ा कर रही हो तुम दोनों? वंदना ने अपना असली रंग दिखा दो। जी ये तो मेरा है नहीं। चिच्ची हटो। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ नहीं, कौन से भाव? जे पूछो कौन से भाव? वंदना तुम अपनी साइड बताओ, कैसे हुआ ये? दीदी ये हमने जानबूझ के नहीं किया है, ये हमें फंसा रही है, झूठ बोल रही है ये। हमारी जिज्जी जाना था कि हम झूठ नहीं बोला, मतलब कमाऊ बोला था, आज नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, शुरू से बताओ क्या हुआ। हाँ जी हम बताते हैं। जिस सुबह आई इन्हें घंटी बजाई, हमने जाके दरवाजा खोला। फिर एक मिनट बेबी, इतना शुरू से नहीं, ये रंग लगा वहाँ से। अच्छा जी सुबह ही हम लोगों ने काम तय कर लाए, तो कौन सा काम को करे? कपड़ा धोना हमारा काम हतो। हम जब तक मशीन तक पहुँचे देर हो गई थी। लेकिन देर कैसे हो गई थी? तुम तो इसी टाइम कपड़े धोती हो। जी देखो भैया की हाथ से धोबे वाली टी शर्ट इन्हें मशीन में डाल दी। दीदी हम रसोई में खाना बना रहे थे, इसने जानबूझकर वो गंदे कपड़े रास्ते में रख दिए और यूट्यूब पर वीडियो देखने लगी। अब हमने कपड़े मशीन में डाल दिए, हमने सोचा इसकी हेल्प हो जाएगी, ये तो है ही काम चोर। अच्छा हमने तुम्हें एप्लीकेशन दी हती हमारे संकट मोचन बनने के लाने। दीदी आप तो जानती हैं कि हमसे खाली बैठा नहीं जाता। खाली नहीं बैठा जाता है तो उसका मतलब दूसरों का काम खराब कर दोगी। एक मिनट रोहिणी, उसकी कोई गलती नहीं है। वो बेबी को ये हाथ से धोने वाले कपड़े और मशीन में डालने वाले कपड़े अलग करके रखने चाहिए थे ना। शी वाज जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। अरे लेकिन कॉमन सेंस नाम की भी तो कोई चीज होती है। तो कॉमन सेंस तो बेबी को भी होना चाहिए था ना, जब घर में इतना सारा काम है तो यूट्यूब पे वीडियोस क्यों देख रही थी? एक्चुअली कॉमन सेंस की बात करें ना तो आज उसका पहला दिन है काम का, उसको हर चीज पूछ के करनी चाहिए थी। हाँ जी हाँ, हमने भी जय कही थी, हम ड्राइवर है तुझे खलासी। अरे खलासी होगी तू, मैं भी ड्राइवर हूँ, दीदी सब जानती है। ड्राइवर भी हो? अरे दीदी वो वाली ड्राइवर नहीं। देखो 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 कैसे कैसे बात कर रही है तुमसे। तुम इतनी ऊंची आवाज में बात टॉलरेट करती हो? अच्छा जैसे बेबी की जबान से तो फूल झड़ते हैं ना। खराब काम करने से बेटर है खराब जबान। ओके, जबान खराब होने से ही सारा काम खराब होता है। यू नो व्हाट, एक ट्रू चैंपियन की निशानी ये होती है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट करे। बट योर गर्ल इज डेफिनेटली नॉट अ चैंपियन। नीदर इज योर्स। सेम गलती को बार बार दोहराना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छा तुम लोगों को सब पता है तो ये भी बता दो कि दरवाजा को खोले। क्या हुआ, कुछ चाहिए? सब खत्म हो गया। क्या बात है, तुमने तो 2 दिन में ही सारा काम खत्म कर दिया। I knew you were a born contractor. मैं अभी जाके बैग्स पैक कर देती हूँ। मेरा पेंटर्स काम छोड़कर छुट्टी पर चले गए हैं। क्या? अब क्या करेंगे? अपने घर चलकर पैकिंग करते हैं। अब पता नहीं और कितने दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा। Hi guys, I hope आज का एपिसोड आप सबको बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग को SIT merchandise जीतने का मौका। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बोलने दो यार। गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग। आपको SIT merchandise जीतने का मौका चाहिए। SIT merchandise बट कॉन्टेस्ट क्वेश्चन तो पूछने दो। So, आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन ये है कि बेबी ने वंदना को बहुत कंफ्यूज किया, लेकिन हकीकत में किसके हिस्से में कौन सा काम आया ये हमें बताइए इन द कमेंट्स बिलो। क्या? ओ अच्छा हाँ, इसका सही जवाब जो भी देगा उसमें से एक लकी विनर को मिलेगा SIT merchandise। एंड गाइस अगले हफ्ते बिन बुलाए मेहमान सीजन 5 का फिनाले स्ट्रीम होगा, सो डोंट मिस दैट। एंड दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग आउट। लव एंड पीस। Bye bye.